नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियर डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस एट ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी इन जयपुर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संधान, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कर्ण संधान, नासा संधान और ओष्ठ संधान। कर्ण संधान का जो वर्णन है वो सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय कर्णवेद बंधन विधि में किया है। कर्णवेद के बारे में सुश्रुत ने कहा है कि शिशु का षष्ठ या सप्तम मास में देवकृत छिद्र में कर्ण वेधन किया जाता है। और उन्होंने तीन सिराओं का वर्णन किया है, कालिका, मर्मरिका और लोहितिका। अगर इन सिराओं में अगर वेदन होता है तब उपद्रव उत्पन्न होते हैं। कर्ण संधान विधि के बारे में सुश्रुत सूत्र स्थान 16 में बताया कि कर्ण वेद के छिद्र को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर बड़े आकार के वर्धनकों का उपयोग किया जाता है। कदाचित इस प्रकार से विवर्धित कर्ण छिद्र दोष प्रकोप से अथवा आघात से अत्यधिक बढ़कर दो भागों में विभक्त कर देता है। कर्ण संधान करने की 15 विधियाँ बताई हैं सुश्रुत ने, नेमी संधानक, उत्पलपेद्यक, वलूरक, आसंगिम, गंडकर्म, आहार्य, निर्वेदिम, व्यायोजिम, कपाट संदिग्ध, अर्ध कपाट संदिग्ध, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और काकुष्ठक। नेवि संधानक के बारे में सुश्रुत ने बोला है कि यदि कर्णपाली के दोनों भाग मोटे फैले हुए तथा समान हो तो नेवि संधानक बंध का प्रयोग करना चाहिए। उत्पल भेद्यक के बारे में बोला, यदि दोनों पालियाँ गोल, लंबी और बराबर हो तो उत्पल भेद्यक बंधन प्रयोग करें, और अगर छोटी, गोल और दोनों कर्णपालियां बराबर हो तो वलूरक बंधन का प्रयोग करें। अगर अभ्यंतर पाली लंबी हो तो आसंगिम बंध बांधें, यदि बाहर की पाली दीर्घ हो तो गंडकर्ण बंध बांधें। और जब दोनों ओर कर्णपाली ना हो तो हारे बंध का प्रयोग करें। यदि दोनों कर्णपालियां मूल से ही छिन्न हो तो कर्ण पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेदिम बंधन बांधना चाहिए। यदि पाली का एक भाग स्थूल हो तथा दूसरा सूक्ष्म हो एवं एक सम हो तथा दूसरा विषम हो तो वहां व्यायोजिम बंधन बांधना चाहिए। यदि एक पाली भीतर से दीर्घ हो तथा दूसरी बाहर से छोटी हो तो इस प्रकार के शस्त्र कर्म को कपाट संधि कहते हैं। यदि कर्णपाली का बाहरी भाग दीर्घ और भीतर का भाग अल्प हो तो अर्धकपाट संधिक बंध बांधे। तो इस प्रकार से कर्ण संधान के 10 भेद साध्य होते हैं, ठीक है। और 5 सुश्रुत ने बंधन असाध्य बताए हैं, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और काकुष्ठक, ठीक है। जो संक्षिप्त बंध है उसमें कहा है कि जिसमें बाह्य पाली का शुष्कली भाग सूख गया हो तथा पाली का भाग नष्ट हो एवं दूसरा भाग भी अल्प हो गया हो उसमें संक्षिप्त बंध का प्रयोग करें। हीनकर्ण के बारे में बोला है कि जहाँ पाली का अधिष्ठान ना हो तथा गंड के दोनों ओर भी मांस अल्प हो वहाँ हीनकर्ण बंध का प्रयोग करना चाहिए। वल्लीकर्ण के बारे में बोला, यदि पाली पतली, टेढ़ी मेढ़ी और अल्प हो तो वल्लीकर्ण का प्रयोग करना चाहिए। यष्टिकर्ण के बारे में बोला है, यदि पाली के मांस में गांठे पड़ गई हों, सिराएं स्तब्ध हों और पाली छोटी हो तो यष्टिकर्ण बंध बांधे। काकोष्ठक के बारे में कहा, यदि पाली मांस रहित संक्षिप्त अग्रपाली वाली तथा अल्प रक्तयुक्त हो तो काकोष्ठक बंध का प्रयोग करें, ठीक है। ये जो 5 बंधन बनाए हैं ये असाध्य होते हैं। इन बंधनों करने पर शोध, दाह, लालिमा, पाक, पिटकाएं और पूये का स्राव हो तो संधान में कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा निर्वेदिम के लिए संधान कर्म इस प्रकार बताया है, जिस मनुष्य कर्ण में दोनों पाली ना हो उसके कर्ण पीठ के मध्य के समान स्थान में वेदन करके वर्धन करना चाहिए, ठीक है। कपाट संधिक और कपाट संधिक बंध में संधान सूत्र निम्न प्रकार है, बाह्य की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर की ओर संधान करना चाहिए, यदि भीतर वाली कर्णपाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। आसंगिम बंध का संधान सूत्र इस प्रकार है, यदि एक ही कर्णपाली मोटी, चौड़ी और स्थिर हो तो उसे बीच में चीरकर ऊपर की ओर जोड़ देना चाहिए।
आर्यभट्ट के लिए संधान सूत्र है, गंड से मांस को लेखन द्वारा उत्पादित करके तथा इस मांस का दूसरा सिरा गंड से जुड़ा रखकर कर्णपाली का निर्माण शास्त्रोक्त विधि से करें। कर्ण संधान में निषेध, किस किस चीजों का निषेध है वो बताया है और कर्ण संधान विधि बताई है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि उपरोक्त बंधनों में से किसी एक बंधन को करने की इच्छा वाला वैद्य अग्रोपर्णी अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय करे, विशेषतया सुरामण दुग्ध जल कांची और टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन का महीन चूर्ण पीस के रखे। फिर पुरुष जो हो उसके सिर के बालों को ठीक तरह से पीछे की ओर बांधकर हल्का भोजन करा के उसके बंधुओं द्वारा पकड़वाकर जो बंधन लगाना हो उसका निश्चय करके छेदन भेदन लेखन और वेदन इनमें से जो उचित क्रिया हो उसे करके कान के रक्त को देखकर निर्णय करें कि यह रक्त दूषित है या अदूषित। यदि वायु से दूषित रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से, अगर पित्त से दूषित हो तो ठंडे पानी तथा दुग्ध से, तथा कफ से दूषित हो तो सुरामण और गर्म जल से कानों को प्रक्षालित कर बाद में उस स्थान का लेखन कर्म करके कर्ण संधि को न ऊंचे न नीचे और न विषम रखकर रक्त श्रुति के बंद होने पर संधान कर देना चाहिए। फिर शहद और घृत लगाकर रुई या कपड़े से ढककर डोर से न अधिक गाढ़ा तथा न अधिक शिथिल बांधकर कपाल का चूर्ण छिड़ककर आहार विहार का उपदेश करना चाहिए तथा द्विवर्णीय अध्याय में कहे हुए विधान के अनुसार उपचार करना चाहिए। ये बताई इन्होंने कर्ण संधान की विधि। इसके बाद उन्होंने कर्ण संधान में निषेध बताया है कि कर्ण का आघात, दिन में सोना, दिया स्वप्न, अग्नि का ताप, अधिक भाषण और परिश्रम का त्याग कर देना चाहिए। बंधन के समय यदि कर्णपाली के अशुद्ध रक्त निकलता हो या अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा कम मात्रा में रक्त निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए। वादुष्ट रक्त में संधान करने से रोपित होने पर परिपोट रोग हो जाता है। पित्तदुष्ट रक्त को संधानवत रोकने पर दाह, पाक, लालिमा और वेदना होती है। कफ से दूषित रक्त में संधान करने से स्तब्धता तथा खुजली होती है। अधिक रक्त की प्रवृत्ति की अवस्था में संधान करने से वह स्थान काला तथा शोथयुक्त हो जाता है। रक्त की क्षीणावस्था में संधान करने से मांस कम रहने के कारण उस स्थान की वृद्धि नहीं होती है। फिर इसके बाद आया है पश्चात कर्म। 3 दिन तक कच्चे तेल से व्रण का परिषेक करें, 3रे दिन पिचू को बदल दें। जब व्रण का ठीक प्रकार से रोपण हो जाए तथा कोई उपद्रव ना हो एवं उसका रंग त्वचा के समान हो तब उसके छिद्र को वर्धन द्वारा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार से ना करें तो शोथ, दाह, पाक, लालिमा और पीड़ा होती है अथवा फट जाता है। फिर उन्होंने कर्ण वर्धन के बारे में बताया है। कर्ण का ठीक प्रकार से रोपण होने पर अभ्यंग करें। गोधा, प्रतुद, विष्किर, जलीय प्राणियों की वसा और मज्जा, दूध, घृत, श्वेत सरसों का तेल लेकर बला, सारिवा, अपामार्ग, मधुरांडी गणों की औषधियों के कल के साथ पाक करना चाहिए। जो असंग्ध, मुलेठी और तिलचूर्ण से उपटन करना लाभदायक होता है। जो कर्ण उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन, द्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ता तो अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। कर्ण के बाह्य प्रदेश कर्ण पुत्रिका में प्रच्छान नहीं करना चाहिए और आधुनिक मतानुसार इसे लोबलोप्लास्टी कहते हैं। लोबलोप्लास्टी, ओटोप्लास्टी, देर आर सम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स टू रिस्टोर द नॉर्मल एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल लेयर, इट इज टर्म्ड एज ओटोप्लास्टी। समटाइम्स द पिन्ना में भी डिफॉर्म्ड, वेरी स्मॉल और एबसेंट कंजेनेटली और मे बी डैमेज्ड बाय ट्रॉमा लेटर ऑन। दिस रिक्वायर्स अ कॉस्मेटिक रिपेयर। दिस इज डन बाय प्लास्टिक सर्जन बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द कार्टिलेजिनस सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द पिन्ना। फिर इसके बाद नासा संधान का वर्णन आया है। रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि इस प्रकार है। छिद नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके प्रमाण अनुरूप गर्ण प्रदेश से मांस लें, परंतु एक ओर से मांस लगा रहे ताकि उससे रक्त का संचार होता रहे। नाक के अग्रभाग का विलेखन करते हुए उस स्थान पर वह गंडस्थ मांस लगाकर सुई से सीवन कर्म करके बंधन लगाकर छोड़ दें। फिर नासा के रंध्रों में से 2 एरण नाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा दें। उस पर लाल चंदन, मुलैठी और रसोत का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिए।
उसे वस्त्र से ढककर तिलों के तीर्थ हो तो कांजी और गर्म जल से, अगर पित्त से दूषित हो तो ठंडे पानी तथा दुग्ध से, तथा कफ से दूषित हो तो सुरामुंड और गर्म जल से कानों को प्रक्षालित कर बाद में उस स्थान का लेखन कर्म करके कर्ण संधि को न ऊंचे न नीचे और न विषम रखकर रक्त श्रुति के बंद होने पर संधान कर देना चाहिए। फिर शहद और घृत लगाकर रुई या कपड़े से ढककर डोर से न अधिक गाढ़ा तथा न अधिक शिथिल बांधकर कपाल का चूर्ण छिड़ककर आहार विहार का उपदेश करना चाहिए तथा द्विवर्णी अध्याय में कहे हुए विधान के अनुसार उपचार करना चाहिए। ये बताई उन्होंने कर्ण संधान की विधि। इसके बाद उन्होंने कर्ण संधान में निषेध बताया है कि कर्ण का आघात, दिन में सोना, दिया स्वप्न, अग्नि का ताप, अधिक भाषण और परिश्रम का त्याग कर देना चाहिए। बंधन के समय यदि कर्णपाली के अशुद्ध रक्त निकलता हो या अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा कम मात्रा में रक्त निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए। वादुष्ट रक्त में संधान करने से रोपित होने पर परिपोट रोग हो जाता है। पित्तदुष्ट रक्त को संधानवत रोकने पर दाह, पाक, लालिमा और वेदना होती है। कफ से चूषित रक्त में संधान करने से स्तब्धता तथा खुजली होती है। अधिक रक्त की प्रवृत्ति की अवस्था में संधान करने से वह स्थान काला तथा शोतयुक्त हो जाता है। रक्त की क्षीणावस्था में संधान करने से मांस कम रहने के कारण उस स्थान की वृद्धि नहीं होती है। फिर इसके बाद आया है पश्चात कर्म। 3 दिन तक कच्चे तेल से व्रण का परिषेक करें, 3रे दिन पिचू को बदल दें। जब व्रण का ठीक प्रकार से रोपण हो जाए तथा कोई उपद्रव ना हो एवं उसका रंग त्वचा के समान हो तब उसके छिद्र को वर्धन द्वारा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार से ना करे तो शोत, दाह, पाक, लालिमा और पीड़ा होती है अथवा फट जाता है। फिर उन्होंने कर्ण वर्धन के बारे में बताया है। कर्ण का ठीक प्रकार से रोपण होने पर अभ्यंग करें। गोधा, प्रतुद, विष्किर, जलीय प्राणियों की वसा और मज्जा, दूध, घृत, श्वेत सरसों का तेल लेकर बला, सारी व अपामार्ग, मधुरांति, गणों की औषधियों के कल के साथ पाक करना चाहिए। जो असंगद मुलेटी और तिलचूर्ण से उपटन करना लाभदायक होता है। जो कर्ण उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन, द्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ता तो अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। कर्ण के बाह्य प्रदेश कर्णपुत्रिका में प्रच्छान नहीं करना चाहिए और आधुनिक मतानुसार इसे लोबलोप्लास्टी कहते हैं। लोबलोप्लास्टी, ओटोप्लास्टी। देयर आर सम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स टू रिस्टोर द नॉर्मल एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल लेयर। इट इज टर्म्ड एज ओटोप्लास्टी। समटाइम्स द पिन्ना में बी डिफॉर्म्ड वेरी स्मॉल और एबसेंट कंजेनिटली और मे बी डैमेज्ड बाय ट्रॉमा लेटर ऑन। This requires a cosmetic repair. This is done by a plastic surgeon by reconstructing the cartilaginous support framework of the pinna. फिर इसके बाद नासा संधान का वर्णन आया है। रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि इस प्रकार है। छिद नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके प्रमाण अनुरूप गर्ण प्रदेश से मांस लें, परंतु एक ओर से मांस लगा रहे ताकि उससे रक्त का संचार होता रहे। नाक के अग्रभाग का विलेखन करते हुए उस स्थान पर वह गंडस्थ मांस लगाकर सुई से सीवन कर्म करके बंधन लगाकर छोड़ दें। फिर नासा के रंध्रों में से 2 एरंडनाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा दें। उस पर लाल चंदन, मुलैठी और रसौत का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिए। उसे वस्त्र से ढककर तिलों के तेल से बार बार सिंचन करना चाहिए। भोजन के पच जाने पर घृतपान कराना चाहिए। स्निग्ध होने पर विरेचन कर्म कराना चाहिए। जब ठीक प्रकार से नासा जुड़ जाए तो गंडस्थ मांस को काट देना चाहिए। यदि नास छोटी रह गई हो तो उसे फिर से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि मांस अधिक बढ़ गया हो तो काट कर समान कर देना चाहिए। आधुनिक मतानुसार इसे राइनोप्लास्टी कह सकते हैं। इसके बाद औषध संधान का वर्णन आता है। कटे हुए औषध या जन्म से ही भक्त औषध में औषध संधान किया जाता है। औषध संधान की विधि नासा संधान के समान ही होती है, परंतु इसमें गंड नाल का प्रयोग नहीं होता है, एरन नाल का प्रयोग नहीं होता है और आधुनिक मतानुसार इसे लेबियोप्लास्टी कहते हैं। तो आज का संधान सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कर्ण संधान, नासा संधान और ओष संधान।
एंड दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू सो मच।